अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग के हमीरपुर कार्यालय द्वारा आज अपने 119वीं वर्षगांठ पर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे टैक्साथन का नाम दिया गया। हमीरपुर आयकर भवन से शुरू हुई ये दौड़ लगभग 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हमीरपुर के हीरानगर में समाप्त हुई। इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, इनकम टैक्स बार संघ के सदस्यों तथा व्यापार मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। आयकर विभाग के हमीरपुर कार्यालय द्वारा आज अपनी 159वीं वर्षगांठ पर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे टैक्साथन का नाम दिया गया था। हमीरपुर आयकर भवन से शुरू हुई ये दौड़ लगभग 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हमीरपुर के हीरानगर में समाप्त हुई। इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, इनकम टैक्स बार संघ के सदस्यों तथा व्यापार मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। टैक्साथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे धावकों को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर आयकर अधिकारी कुशल कुमार, बार संघ के अध्यक्ष सीए अरुण गिरी, निरीक्षक गुलाम मोहम्मद तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील सोनी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयकर अधिकारी हमीरपुर कुशल कुमार ने बताया कि आयकर विभाग की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को आयकर के प्रति जागरूक करना तथा समय पर आयकर विवरणी भरने के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस दौड़ में बार संघ तथा व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज अपना 159वां आयकर दिवस मना रहा है, पूरे भारतवर्ष में यह मनाया जा रहा है, तो इसी कड़ी में आयकर कार्यालय हमीरपुर भी इस उत्सव को मना रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि सभी को जागरूक करना कि अधिक से अधिक आय अपना आय कर दें और देश को और समृद्ध बनाएं। यह अपना हमारे इस उत्सव के ऊपर जो टैक्साथन वॉक फॉर टैक्सेस हमारे आयकर कार्यालय से शुरू किया गया था और ये अणु उसे होता हुआ होटल हीरा हाइट में समाप्त हुआ। इसमें जो व्यापार मंडल हमीरपुर और बार एसोसिएशन हमीरपुर के सभी सदस्य उपस्थित हैं और इसके अलावा आयकर विभाग के भी जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो सभी सम्मिलित हैं। वहीं इनकम टैक्स बार संघ के सीए चैम्बर के पूर्वाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि 159 साल पहले इनकम टैक्स की प्रणाली शुरू की गई थी, जिसको लेकर आयकर विभाग के हमीरपुर कार्यालय द्वारा 159वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसको टैक्साथन का नाम दिया गया था, जो कि हमीरपुर आयकर भवन से शुरू हुई और हमीरपुर के हीरानगर में समाप्त हुई। हमीरपुर में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और आयकर विभाग और व्यापार मंडल की तरफ से एक 159वां आयकर दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। आज से 159 साल पहले हमारे भारतवर्ष में इनकम टैक्स की प्रणाली जो थी वो शुरू की गई थी। तो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स का कलेक्शन होगी तो उसके साथ ही हमारे देश का विकास होगा। तो इस सब के साथ हम यहाँ पे सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हमारी एक मैराथन दौड़ जिसका नाम कि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्साथन दौड़ के नाम से दिया है, यहाँ से चल के अणु चौक से होते हुए वहाँ पे होटल हीरा हाइट में हीरानगर में समाप्त होगी। तो इनकम टैक्स डे मना रहा है, इसमें हमारा व्यापार मंडल हमीरपुर और बार एसोसिएशन हमीरपुर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। देश में प्रगति के लिए, टैक्सेस के जो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पूरे जोश के साथ इकट्ठे हैं आज, और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है जिससे सबको अवेयरनेस मिलेगी। और आप देख ही रहे हैं कि इतने जोश के साथ सारे हमारे मेंबर्स यहां पे सुबह सुबह इकट्ठे हुए हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आयकर विभाग के हमीरपुर कार्यालय द्वारा 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मैराथन का आयोजन किया गया था, जो कि हमीरपुर आयकर भवन से शुरू हुई और हमीरपुर के हीरानगर में समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि इस दौड़ में बार संघ तथा व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया था। आयकर डे मनाया गया, जिसमें मैराथन का प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम आईटी साहब की अध्यक्षता में रेस शुरू करते हुए हुआ। ये आईटीओ ऑफिस से रेस शुरू हुई और अनु चौक से होती हुई
ट्रिपल एच होटल के पास ख़त्म हुई। इसमें व्यापार मंडल हमीरपुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सभी मान्य व्यक्ति मौजूद रहे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और मैं सबका इस प्रोग्राम पर साथ देने का, अपने व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। भक्तों चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।